हाय गाइस, मेरे चैनल से लाखों को फायदा हुआ है। फिर वो वेट लॉस करना चाहते हो या थायराइड ठीक करना या फिर पीसीओएस या डायबिटीज़, जिन्होंने भी मेरे प्लान्स फॉलो किए हैं उन्हें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं। फेसबुक पे मैं अक्सर वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के पिक्चर्स डालती हूँ और मुझे लोग पूछते हैं कि उन्होंने क्या खाया था और क्या नहीं। आज मैं ऐसे ही एक लेडी की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आपको रूबरू करवाऊंगी। वो आप ही की तरह मेरी एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने ये वीडियो खुद बनाकर मुझे भेजा है और मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आए। और लेमा, आपने जो ये वीडियो बनाकर अपनी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शेयर करने की जो हिम्मत दिखाई है, ये हिम्मत काबिले तारीफ है। और इसी हिम्मत से आप बहुतों को और हिम्मत देंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द करेज एंड सेंडिंग मी दिस वीडियो। गॉड ब्लेस। हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, माई सेल्फ सिंपल सूत एंड आई एम फ्रॉम गुड़गांव। फ्रेंड्स, आज अब सबसे मैं अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करने आई हूँ। फ्रेंड्स, बिफोर मैरिज मेरा वेट जो था एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल था, बट आफ्टर डिलीवरीज, मेरी दो डिलीवरीज हुई और दोनों के दोनों डिलीवरीज मेरी सिजेरियन हुई, और दोनों डिलीवरीज के बाद मेरा वेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता गया। मैंने डॉक्टर से चेक कराया, डायग्नोज में मेरा थायराइड आया और मैंने थायराइड की मेडिसिन वगैरह भी ली, बट वेट मेरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला गया और मेरे को इसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन रहने लगा। मैं डिप्रेशन में तो आ ही गई थी कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। मैं खाना भी कम खाती थी, भूख भी कम लगती थी मुझे, और नी पेन होनी शुरू हो गई। काम में कोई मन नहीं लगता था मेरा, साथ में कॉन्स्टिपेशन का इशू होना शुरू हो गया और बैक एक होनी शुरू हो गई। थोड़ी थोड़ी देर में थकावट हो जाती थी, एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं था मेरा बॉडी अब। तो मैं सोचती थी कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है डे बाय डे। ऐसे मेरा वेट डे बाय डे बढ़ता चला गया और एक बार ही मैंने अपना वेट चेक कराया तो जो कि 90+ आया। मुझे बहुत डिप्रेशन होने लगे कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी तो मेरे माइंड में एक दिन आया कि क्यों ना मैं एक बारी यूट्यूब खोल के देखूं, क्योंकि मैंने सुना था कि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह हैं, हेल्थ वीडियोस और वेट लॉस की वीडियोस। तो मैंने कई यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, बट एट लास्ट मेरे को जो सबसे अच्छा चैनल लगा वो वर्सेटाइल विकी का लगा, और इन्हीं का एक चैनल है विकीपीडिया, और दोनों चैनल्स ही हैं मैम के। और ये मैम का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और इनके डाइट प्लान्स एक से बढ़ के एक हैं, वेरी इफेक्टिव डाइट प्लान्स। इनके सारे रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे जितने भी व्यूअर्स ने देखे, उसमें से सबसे अच्छा डाइट प्लान जो मुझे लगा वो लगा एग डाइट प्लान। ये मैम का 10 डेज़ का डाइट प्लान था और लोगों के रिव्यूज़ चौंकाने वाले थे एकदम। तो मेरे मन में आया कि कुछ नहीं भी हो रहा तो इससे बेटर है कि एक बारी करके ही देख लें, शायद कुछ रिजल्ट आ जाए। तो मैंने इनका एक डाइट प्लान फॉलो किया। लोगों के रिव्यूज़ तो ये थे कि जैसे उनको 10 दिन में 10 किलो वेट डाउन हो रहा है, किसी का 10 दिन में 5 किलो हो रहा डाउन। मेरा भी वेट लॉस हुआ लेकिन मेरा इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मैं एक थायराइड पेशेंट थी, और थायराइड पेशेंट होने के कारण वेट लॉस ऑब्वियसली आपका स्लो होना था। तो लेकिन मुझे अंदर से जो है धीरे धीरे हल्कापन महसूस होने लग गया, एनर्जेटिक लगने लग गया। मेरी डे बाय डे मैंने जैसे ही एक डाइट प्लान फॉलो किया, मेरी नी पेन्स होनी बंद हो गई, मेरी बैक एक होनी बंद हो गई, और मेरे को नींद भी अच्छे से आने लगी, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू सॉल्व होने लग गया धीरे धीरे। तो डे बाय डे मेरी कंडीशन जो है वो नॉर्मल होती चली गई। और मैंने मैम का सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं फॉलो किया, मैंने मैम के बहुत सारे डाइट प्लान्स फॉलो किए। जैसे मैम का रॉ मील डाइट प्लान है, वर्किंग पीपल डाइट प्लान है, और वेजिटेरियन डाइट प्लान है, विंटर्स का भी डाइट प्लान है। जैसे जैसे मुझे मन करता गया मैं डाइट प्लान्स फॉलो करती चली गई और मुझे उनका रिजल्ट अचीव होता चला गया। और ऐसे ही मैम के डाइट प्लान्स फॉलो करते करते मेरा पहले 5 किलो वेट डाउन हुआ, फिर मेरा 10 किलो वेट डाउन हुआ। धीरे धीरे लोगों की नज़र में आने लग गया, लोग मेरे से पूछने लग गए कि सिंपल तो क्या कर रही है आजकल, तेरा वेट बड़ा लूज़ हो गया है और तू अच्छी लगने लग गई है अब। इवन मुझे अब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं अपनी डॉटर की सिस्टर लगती हूँ, और सुन के अच्छा लगता है। और आपके हेल्थ इश्यूज़ तो सॉल्व होते ही हैं और आप एज वाइज भी यंगर लगने लग जाते हैं,
और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैम के डाइट प्लान्स को फॉलो करते हुए मैंने 30+ का वेट लॉस किया है। और मेरा पहले जो ड्रेस साइज़ था वो डबल एक्सल था, कई बार ट्रिपल एक्सल भी आता था, और अब मेरा जो ड्रेस साइज़ है वो मीडियम पे आ गया है। और मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यू सॉल्व हुए हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि मैं मैम का कैसे थैंक्स करूं। और मैं सब व्यूअर्स से यही कहना चाहती हूं कि एक बारी मैम के डाइट प्लान्स को फॉलो करिए, और एक बारी उस चैनल में आप घुसेंगे आपका किसी और चैनल की तरफ जाने का मन ही नहीं करेगा। मैम के चैनल के जो वीडियोस हैं वो एक से बढ़ के एक हैं। जो आपका मन करे आप वो वीडियो देख करके उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि मैम का जो कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो रिज़ल्ट ना दे। बस एक ये होना चाहिए कि जो अगर आप वेट लॉस करने का सोच लेते हैं तो जो इच्छा है वो आपके दिल से उठनी चाहिए। किसी के ज़बरदस्ती कहने से कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका वेट लॉस होगा तो उसमें फ़ायदा भी आपका है, और नहीं होगा तो नुकसान भी आपका, या हेल्थ इश्यूज़ भी आपको ही सहन करने पड़ेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वेट लॉस करना कोई आसान बात है, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले आपकी दिल से आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी दिल से आवाज़ नहीं आएगी आप कुछ नहीं कर सकते। वेट लॉस तो दूर है, ज़िंदगी का कोई भी काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका दिल से आवाज़ नहीं आएगी। वेट लॉस करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी से 3 चीज़ें आउट करनी पड़ेंगी हमेशा के लिए। वाइट शुगर, वाइट मैदा और वाइट चावल, राइस। अगर आपका मन करता है राइस खाने का तो आप ब्राउन राइस खाइए, पोहा खाइए ब्राउन, और शुगर लेनी है तो ब्राउन शुगर लीजिए। और उसके बाद भी अगर आप अपनी ज़िंदगी से जंक फूड माइनस कर देंगे, और मतलब बैन ही कर दीजिए बिल्कुल, जंक फूड हो गया, बाहर का जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं ये सब कुछ ख़त्म कर दो। इन चीज़ों को आप एक हफ्ते के लिए लेना बंद कर देंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वेट लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। कम से कम आपका एक हफ्ते के अंदर इन चीज़ों को बैन करने के बाद 3 किलो तक वेट आपका आराम से डाउन होगा। तो मैं आज अपनी डेली रूटीन आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मॉर्निंग में मैं सुबह लेती हूँ अपना ओजीवा का सुपर ग्रीन्स आता है, वो भी मैम का ही सजेस्ट किया हुआ है, ओजीवा सुपर ग्रीन्स लेती हूँ। उसके 1.5 घंटे तक मैं कुछ नहीं लेती। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के अंदर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एग वगैरह लूँ, एग किसी भी फॉर्म में ले लेती हूँ मैं, लाइक बॉयल्ड एग ले लिया या फिर उसकी ऑमलेट बना लिया, वेज ऑमलेट, और साथ में 1 कप ग्रीन टी मुझे चाहिए चाहिए। उसके बाद लंच से पहले मैं बीच में अगर मेरे को भूख लगती है तो मैं साथ में लेती हूँ अपना ग्रीन टी और साथ में कोई भी एक सीजनल फ्रूट। और लंच में ले लेती हूँ अपना 2:30 बजे तक लंच ले लेती हूँ। लंच में मेरे को 1 कटोरी दाल या सब्जी, जो भी चीज़ अवेलेबल है वो लेती हूँ। साथ में मुझे कर्ड चाहिए और साथ में मुझे एक प्लेट भरी हुई मुझे सैलेड की चाहिए होती है। और इसके बाद मैं 5:30-6 बजे मैं फिर से प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई भी एक फ्रूट ले लूँ, फ्रूट के अंदर कोई भी सीजनल फ्रूट जो घर में पड़ा है, साथ में 1 कप ग्रीन टी का। और फिर रात को डिनर में चाहती हूँ कि मैं 8 बजे से पहले पहले अपना डिनर ले लूँ। डिनर में भी मैं ट्राई करती हूँ कोई दाल वगैरह या वेजिटेबल पड़ी है वो ले लूँ, या बॉयल्ड एग्स ले लूँ, कोई फ्रूट ले लूँ, कई बार मन करता है कीवी वगैरह या पपाया वगैरह ले लूँ। और फिर रात को सोने से पहले मैं 1 बार ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। मतलब ऑन द होल पूरे दिन में मैं 3 बार तो ग्रीन टी लेती ही लेती हूँ। तो यही मेरी आपसे बताना था मुझे कि मेरी वेट लॉस जर्नी जो 90 kg+ थी, और मैंने मैम के डाइट प्लान्स को फॉलो करते हुए मैंने मोर देन 30 kg वेट लॉस कर लिया है। मेरा जो साइज़ था वो ट्रिपल एक्सल था, डबल एक्सल भी आता था मुझे, जो कि अब मीडियम रह गया है। और अभी भी स्टिल मैं मैम के वेट लॉस डाइट प्लान्स को फॉलो करती हूँ। और स्पेशली जो आजकल मैं मैम का डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ, जो मैंने अभी बताया अपनी एग डाइट वगैरह की रूटीन, वो मैम का मेंटेनेंस डाइट प्लान है। अगर आपसे कुछ और नहीं होता, अगर आपको सब कुछ लगता है कि नहीं हो पाएगा आपसे कुछ, तो आप मेंटेनेंस डाइट प्लान मैम का यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर लेंगे। बस इस चीज़ की प्रॉमिस करिए कि आप अपनी ज़िंदगी से शुगर, राइस और मैदा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ आप आउट कर देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड स्पेशल थैंक्स टू विक्की मैम जिनके वीडियोज़ ने मेरी लाइफ चेंज कर दी।
एंड मैम मेरी एक विश है कि मैं लाइफ में एक बार आपसे ज़रूर मिलूं, क्योंकि मेरी विश है कि मैं आपको मिलके थैंक्स कहना चाहती हूँ, और क्योंकि आपकी वजह से मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज ठीक हुए, मेरा वेट लॉस हुआ एंड मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू।